तमिल दुनिया की सबसे पुरानी भाषा। हाँ, ये एक भारतीय भाषा है। अगर कोई बोले पहला इंसान एक तमिल था तो आश्चर्य होने वाली कोई बात नहीं है। यस, तमिलियन इज ऑल्सो अ प्राउड इंडियन। अगर आप इतिहास देखें तो इंडस वैली और हरप्पा सिविलाइजेशन में भी इनका वजूद रहा है। इतना ही नहीं, अगर आर्कियोलॉजिस्ट की माने तो तमिल 6000 साल पुरानी भाषा है, जो कि अरिचनलूर के पत्थरों पर लिखी पाई गई है। और पता है ये बातें मैं आपको क्यों बताना चाह रहा हूँ? क्योंकि आज तमिल की बहुत सी पुरानी संस्कृति केवल किताबों में बंद रह गई। आज के आधुनिक युग में लोग इतना भी कोशिश नहीं करेंगे कि अपनी सांस्कृतिक पुराणों को पढ़ें। इतिहास कुछ नहीं, केवल सांस्कृतिक और परंपराओं का अनजान विस्तार है। और अब ये परंपराएं भी धीरे धीरे लुप्त हो रही। जलीकट्टू ये सिर्फ तमिलों की परंपरा नहीं, उससे परे है। अगर आप तमिलन को भारतीय मानते हैं तो तमिल परंपरा भी भारतीय परंपरा है। बैलों को पहले भी और आज भी राष्ट्र का गौरव माना जाता है। किसान अपने मवेशियों को अपने बेटे जैसा पालते हैं। अगर आप तमिलनाडु के किसी भी गांव, किसी भी कोने चले जाएं, तो आप ये देख सकेंगे कि छोटे बच्चे भी इन्हें अपने भाई बंधुओं को समान मानते हैं। बैन ऑफ जलीकट, आप जानते भी हैं इसके पीछे कितने नेताओं और कॉरपोरेट बिजनेस वालों का हाथ है, और कैसे दो भाइयों का खेल क्रूरता बन गया। अगर ये सही है तो खेती बाड़ी में बैलों का जोतना भी गलत था, और बैलगाड़ी के सहारे मीलों दूर घूमना भी गलत था। क्या सभी अंधे हो गए हैं जब चीन में लाखों की तादाद में कुत्तों की हत्या की जा रही थी? क्या ये क्रूरता नहीं है? जिस तमिलनाडु में सबसे ज्यादा बैल पाए जाते थे, अब बस इनकी गिनती दो अंकों में रह गई है। और ये जलीकट के प्रतिबंध के कारण हमारे बैलों की गिनती में और कटौती बढ़ गई, और इसके दुष्प्रभाव से हमारी अगली पीढ़ी को कभी भी स्वस्थ A2 दूध नहीं मिल सकी। तब तो हमारे ऐतिहासिक अशोक चक्र के नीचे बने बैल का होना भी नहीं चाहिए। 2010 में स्पेन भी इन्हीं परिस्थितियों से जूझ चुका है, लेकिन स्पेन की सरकार ने अपने परंपराओं को महत्व देते हुए इन प्रतिबंधों को नकार दिया। अब भारत में भी कुछ ऐसी ही परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं। तो हमारी सुप्रीम कोर्ट का कहना क्या है? जलीकट को वीडियो गेम्स में खेलें। अगर ऐसी बात रही तब तो हम ऐसे युग में भी नहीं जी रहे जहां चावल इंटरनेट से डाउनलोड कर लें। इतने मजबूत कारणों के बावजूद लोग इसे नजरअंदाज कर रहे हैं, तो इसका मतलब साफ है कि लोग जलीकट को नहीं जानते, या सिर्फ और सिर्फ ये 8 करोड़ तमिलों की ही मुसीबत रह गई है। हम आपको ये फिर से बताना चाहते हैं कि जलीकट केवल तमिलनाडु की ही नहीं भारतीय परंपरा है। हाँ, तमिलन भारतीय ही है, और जलीकट भी भारतीय परंपरा का हिस्सा है।